सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ही के फ़ोन के माइक्रोफोन और आपके कैमरे से आपकी जासूसी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपने YouTube पे कई वीडियो भी देखी होगी। पहले मैं भी सोचता था कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों हमारे फ़ोन के जो फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा होता है या उसका जो माइक्रोफोन होता है, उसी से हम पर नज़र रखी जाती है, हमारी जासूसी की जाती है। हमारा जो भी प्राइवेट डाटा होता है उसे दूसरे सर्वर में भेज दिया जाता है, जो भी हमारे अकाउंट डिटेल, आजकल हम फ़ोन में कितनी तरह की एक्टिविटी करते हैं, अपना पैसों का लेन देन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारी डाटा को चोरी कर लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये बातें बिल्कुल सही है, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारा डाटा जो है वो चोरी हो जाता है। देखिए मैं सेटिंग पे पहले एप्लीकेशन मैनेजर में जा रहा हूँ। अब एप्लीकेशन मैनेजर में मैं गया तो मैंने आपको यहाँ देखिए मेरी ये डाउनलोडेड ऐप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एडसेंस की एक मैंने ऐप डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसे परमिशंस जो हैं, क्या क्या परमिशंस है एडसेंस की ऐप को, देखिए इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो सिर्फ ये मेरे जो डिवाइस है उसका अकाउंट यूज़ करती है, क्योंकि मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है तो मेरा अकाउंट यूज़ करती है, और मेरे फ़ोन का सिर्फ इंटरनेट यूज़ करती है जो कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करती हैं जो कि इसको ज़रूरत भी है। अब इसी तरह मैं आपको एक दूसरी ऐप दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको डी यू रिकॉर्डर का एक ऐप दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए आप नीचे इसमें भी आप परमिशन में देखेंगे तो अब इसको क्या क्या परमिशन है, देखिए फ़ोन स्टेटस और आइडेंटिटी सब कुछ ये चेक कर सकती है, मतलब फ़ोन के अंदर क्या क्या कॉन्टैक्ट नंबर है सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट और वीडियोज़ सारी चीज़ें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, और मेरी लोकेशंस, ठीक है। और देखिए मेरे फ़ोन में जो भी अकाउंट्स हैं या जो भी अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ वो भी ये यहाँ से कैप्चर कर सकती है ये ऐप। उसी तरह अब मैं कोई एक और ऐप दिखाता हूँ। देखिए आप डिजिटल इंडिया आपको ये ऐप दिख रही है, इसका काम है सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं इसमें हम उसको काम कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या परमिशन मिली हो, जबकि मैंने अपनी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी है, इसे ऑटोमेटिक ये परमिशन मिली हुई है। देखिए ये डायरेक्टली मेरे फ़ोन नंबर्स को एक्सेस कर लेता है, मतलब इसके पास सारे नंबर मेरे जा चुके होंगे जो भी मेरे फ़ोन के अंदर नंबर हैं। उसके साथ ही आप देखिए ये फ़ोन की जो भी फ़ोटोज़ और पिक्चर सब इनके पास डिटेल पहुँच चुकी होगी। अब देखिए ये मेरे जो भी एसडी कार्ड के अंदर मैं जो भी मॉडिफाई करता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ या इंस्टॉल करता हूँ, सारी चीज़ें इनके पास है। मेरा जो भी लोकेशन है वो भी इनके पास सारी पहुँच चुकी है। ये सारी डिटेल हम जैसे ही अपनी फ़ोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और उनको जैसे ही हम परमिशन एक्सेस देते हैं, सारी डिटेल हमारे फ़ोन की बाहर जानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे ही फ़ोन के माइक्रोफोन और कैमरे से हमारे ऊपर नज़र रखी जाती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या फ़ोटो हमने क्लिक करी हैं, क्या क्या हमने बात करी है अपने फ़ोन पर, क्या क्या हमने अपने फ़ोन के अंदर अकाउंट डाले हुए हैं, क्या क्या हमारे फ़ोन के पासवर्ड है, क्या क्या हम सर्च करते हैं। तो ये कुछ ऐप्स की मदद से हमारे फ़ोन से हमारी जासूसी की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस तरह से जासूसी से आप बच सकते हैं कि आपके फ़ोन से ही कोई जासूसी कर ले, तो इस तरह से आप बच सकते हैं। उसके लिए आप अपनी सेटिंग में ही जाइए और देखिए बाद में परमिशन आप ऑफ करें ऑन करें, इससे अच्छा है कि पहले से ही इन चीज़ों से आप बच लीजिए। तो आप सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आप सिक्योरिटी पे जाइए, और सिक्योरिटी पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा अननोन सोर्सेज, और इसे आपको हमेशा ये बंद करके रखना है। दोस्तों ध्यान रहिए ये हमेशा आपको बंद करके रखना है। देखिए मैं आपको यहाँ ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर आप टच करके देखिएगा अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो कि अगर आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपके फ़ोन का जो भी डाटा वगैरह है वो आप लॉस कर सकते हैं, मतलब आपका डाटा यहाँ से दूसरी जगह पहुँच सकता है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आपको हमेशा इसे ऑफ करके रखना है। अगर आप इसे ऑफ करके रखेंगे तो किसी भी तरह की कोई ऐसी अननोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगी, और कभी भी आपसे अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए कहा जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो ऐप बेकार ऐप है, चोर ऐप है जो कि आपका डाटा चुरा लेगी। तो प्लीज़ आप उस ऐप को इंस्टॉल ना कीजिए फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि किस तरह आप अपने
फोन से ही अपनी जासूसी से बच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, या आपकी स्क्रीन पर लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।